प्रदेश में हिंदुओं पर हमले रुक नहीं रहे। एक बार फिर से बांग्लादेश में एक 15 साल के हिंदू लड़के की पीट पीट कर जान लेने का मामला सामने आया। हालांकि बांग्लादेश की पुलिस अभी इस लड़के की मौत से इनकार कर रही है, लेकिन बांग्लादेश के कई अल्पसंख्यक संगठनों का दावा है कि ईश निंदा के आरोप में इस बच्चे की मॉब लिंचिंग की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदू लड़के की हत्या। बांग्लादेश पुलिस और सेना के सामने हुई लिंचिंग। मोहम्मद यूनुस ने क्या ये वीडियो नहीं देखा? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच एक बहुत डराने वाली तस्वीर सामने आई है। बांग्लादेश के तीसरे सबसे बड़े शहर खुलना में एक हिंदू लड़के की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बताया गया कि हिंदू लड़के ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया था। इससे गुस्साए भीड़ ने हिंदू लड़के को घेर लिया। भीड़ उसे उठाकर खुलना के डिप्टी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस लेकर पहुंची। सिर्फ 3 घंटे में डिप्टी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। पुलिस और सेना के जवानों के सामने उसकी बुरी तरह पिटाई की गई और भीड़ के हत्थे चढ़े 18 साल के हिंदू लड़के की मौत हो गई। ये पूरी घटना 4 सितंबर की बताई जा रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने नकारा। मोहम्मद यूनुस ने हमले को राजनीतिक बताया। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से कई ऐसी खबरें और वीडियो आए हैं जब अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया, उनके गांवों में आगजनी की गई, घेर कर उन पर हमले हुए, यहां तक कि मंदिरों को भी टारगेट किया गया। लेकिन अल्पसंख्यकों पर हुए हमले को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने नकार दिया है। एक न्यूज एजेंसी को दिए बयान में उन्होंने कहा, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों के मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ये हमले सांप्रदायिक से ज्यादा राजनीतिक हैं। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इसे लेकर बात की। इन हमलों के कई आयाम हैं। जब शेख हसीना और अवामी लीग के अत्याचारों के बाद देश में उथल पुथल मची और जो लोग उनके समर्थक थे उन्हें इसका सामना करना पड़ा। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों की हालिया घटनाओं पर भारत अपनी चिंता पहले ही जाहिर कर चुका है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे, खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की 8% आबादी हिंदुओं की है। दावा किया जाता है कि हिंदुओं की आबादी शेख हसीना की अवामी लीग की समर्थक है और शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अब तक अल्पसंख्यकों पर हमले की 205 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया। हालांकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने खारिज कर दिया है और इन हमलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की बात कही है, जबकि भारत के साथ ही अमेरिका भी इन हमलों की निंदा कर चुका है और हमलों को लेकर दुनिया के कई देश अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। शाहरुख खान, विराट कोहली ये सिर्फ शानदार एक्टर, दमदार क्रिकेटर ही नहीं,
टॉप टैक्स पेयर्स भी हैं। टैक्स पेयर एक्टर और क्रिकेटर की लिस्ट में ये टॉप पर हैं। लिस्ट में और कौन कौन से सुपरस्टार्स शामिल हैं, आइए जानते हैं। शाहरुख खान, थलापति विजय, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, रणवीर कपूर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इनमें क्या कॉमन है? ये सभी मशहूर एक्टर और क्रिकेटर तो हैं ही, टैक्स देने के मामले में भी ये टॉप पर हैं। जी हाँ, देश के टॉप टैक्स पेयर्स की लिस्ट में इनका नाम है। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान तो टैक्स देने के मामले में भी किंग है। 2023-24 के दौरान ये टैक्स चुकाने वाले टॉप एक्टर हैं। किंग खान के बाद इस लिस्ट में तमिल सुपरस्टार थलापति विजय का नाम है। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रणवीर कपूर और ऋतिक रोशन भी टॉप टैक्स पेयर्स एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हैं। तो आइए आपको बताते हैं किस एक्टर ने कितना टैक्स जमा किया। नंबर एक पर शाहरुख खान 92 करोड़, नंबर दो पर थलापति विजय 80 करोड़, नंबर तीन पर सलमान खान 75 करोड़, नंबर चार पर अमिताभ बच्चन 71 करोड़, नंबर पांच पर अजय देवगन 42 करोड़, नंबर छह पर रणबीर कपूर 36 करोड़, इसके अलावा ऋतिक रोशन 28 करोड़ और कपिल शर्मा ने 26 करोड़ का टैक्स दिया है। 92 करोड़ रुपए टैक्स चुकाकर शाहरुख खान टैक्स पेयर एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर हैं। 2023 में शाहरुख खान की नेटवर्थ में 1300 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 2022 में शाहरुख की नेटवर्थ 5116 करोड़ रुपए थी, जिसमें जवान और पठान की कामयाबी के बाद 8% की बढ़ोतरी हुई। शाहरुख की फिल्म पठान ने 1050 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। एक्ट्रेस करीना कपूर देश की सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाली फीमेल एक्ट्रेस हैं। 2024 में इन्होंने 20 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है। इस लिस्ट में वो शाहिद कपूर और साउथ स्टार मोहनलाल से भी ऊपर हैं, जिन्होंने 18 करोड़ टैक्स चुकाया। फॉर्च्यून की लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम टॉप 20 में भी नहीं है। पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2022-23 में उन्होंने 25 करोड़ रुपए टैक्स चुकाया था। 2023 में वो सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले एक्टर भी थे। क्रिकेटर भी टैक्स जमा करने के मामले में पीछे नहीं है। इस मामले में इस बार भी टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली का नाम है। विराट कोहली के बाद टैक्स पेयर क्रिकेटर्स की लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर का नाम है। इन्होंने कितना टैक्स चुकाया वो देख लीजिए। नंबर एक पर विराट कोहली 66 करोड़, नंबर दो पर महेंद्र सिंह धोनी 38 करोड़, नंबर तीन पर सचिन तेंदुलकर 28 करोड़ और नंबर चार हैं सौरभ गांगुली 23 करोड़। विराट कोहली टैक्स के मामले में भी विराट हैं। कोहली की नेटवर्थ 1000 करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है, तो धोनी की नेटवर्थ भी 1000 करोड़ के पार है। ये एक्टर और ये क्रिकेटर कमाई के मामले में भी दमदार हैं, तभी तो टॉप टैक्स पेयर्स की लिस्ट में इनका नाम शुमार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।